नमस्कार दोस्तों, रुचि की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने पालक और सोया की सब्जी दाल बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम एक अलग ही रेसिपी बना रहे हैं, एकदम अलग तरीके से, बहुत कम समय में, खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 500 ग्राम पालक, इसको हम अच्छी तरह धो लिया है, आप देख रहे हैं। इसमें हम सोया भी लिए हैं, सोया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, इस तरह हम पकड़ लेंगे। इसको हम दो भाग में कट कर लेंगे, दोनों एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम बारीक बारीक से कट करेंगे, जितने बारीक रहेगा उतनी ही अच्छा टेस्ट आएगा और जल्दी से पकेगा भी। इसको कट कर लिया है, हमने लिया है 1 कप दाल, इसको 20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए हैं। दाल भिगो के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत जल्दी पक जाता है ये। अब इसको हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। अब देख रहे हैं, हमने इसमें दाल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी कटी मिर्च, इसको हम धुल के कट कर लिया है। कुछ लहसुन की कलियां हैं, इसको भी हमने छील के कट कर लिया है। अब इसको भी हम ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, हमने 2 टमाटर लिया हुआ था, इसको हम बारीक कट कर लिया है। टमाटर डालने से थोड़ा खट्टापन आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब इसमें हम ऐड करेंगे पालक। आप इस तरह पालक का दाल बना के ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत कम समय में बन जाता है, ख़ासतौर सोया वाला पालक दाल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हींग, डालने से डाइजेशन सही रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है दोस्तों, आप हींग डालना ना भूलें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, हमने यहाँ 2 गिलास पानी ऐड किया हुआ है। अब इसके लीड को हम कवर कर लेंगे। अब इसको हम चढ़ाएंगे इंडक्शन पे, 3 से 4 सीटी आने तक ये पकने दें। फिर इसको हम ठंडा होके इसका तड़का लगाएंगे। हम देख रहे हैं सीटी हमारी ठंडा हो चुकी है, अब इसको हम खोल देंगे। यहाँ पर फिर दाल बनके रेडी हो चुका है। हम देख रहे हैं कितना बढ़िया पालक की दाल बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, तक इसको ढक के रख दें। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा। अब हम कलछुल को गरम करेंगे, फिर इसको हम गरम कर लेंगे। कलछुल हमारी गरम है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, एक साथ डालेंगे। तो हम चला लेंगे ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। हमने इसको गैस पर गर्म कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम जल्दी से ढक देंगे ताकि इसका जो भाप है वो बाहर ना निकले, टेस्ट अच्छा निकले। में हम डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा घी, घी डालने से और मज़ेदार हो जाता है दोस्तों। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख रहे हैं दाल हमारी एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी है, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म।
हम देख रहे हैं दोस्तों गर्मा गर्म दाल और चावल का कुछ और ही टेस्ट है। आप इसी तरह हमेशा बनाइए, खाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी, एकदम मन को संतुष्टि भी मिलेगी। तो चलिए गर्मा गर्म शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब दीजिए हमको इजाज़त, अब मिलेंगे आपको अगले रेसिपी के साथ। नमस्कार।